आजकल क्लास जो है कॉनिक सेक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। बातें नहीं करो। कॉनिक सेक्शन में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तीन कॉमन चीजों से कर रहे हैं, मतलब इसमें तीनों में कॉमन होता है। पहले वो वाला पार्ट किए दे रहे हैं, इसके बाद जो है हर एक कर्व को अलग अलग करेंगे। जैसे पैराबोला को अलग करेंगे, एलिप्स को अलग करेंगे, हाइपरबोला को अलग करेंगे। कॉनिक सेक्शन का हिंदी मतलब होता है शंकु, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन पहले नोट कर लो, जो जनरल डेफिनेशन हैं, इसके बाद फिर कहीं पर्टिकुलर कर्म में आएंगे। नोट करो, कॉनिक सेक्शन और कॉनिक्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सो दैट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन द कॉन्स्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो जो भी कर्व होते हैं हमारे, डेफिनेशन एक फॉर्मल है, थोड़ा सा ध्यान रखो, हम समझा दे रहे हैं यहां पर, उसको ध्यान रखना, लिखा हुआ उसके ऊपर बहुत मत जाना कहीं। जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी हमारे पास कर्व होते हैं वो किसी के लोकस होते हैं। जैसे सर्किल था, सर्किल बताया था एक फिक्स पॉइंट से जितने भी बराबर दूरी पर पॉइंट होते हैं उनको मिलाने से जो लाइन बनती है उसको सर्किल बोलते हैं। ऐसे ही पैराबोला भी एक कर्व बनेगा, तो कर्व कुछ इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने से बनेगा। ऐसे ही एलिप्स बनेगा, ऐसे ही हाइपरबोला बनेगा। ऐसे जो भी कर्व बनते हैं, जो आपको मालूम है, नहीं मालूम है, या हमको तीन कर्व, चार कर्व मालूम होते हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो जो हमारे पास चारों कर्व है किसी ना किसी पॉइंट को, इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाते हैं तभी बनता है कहीं से। तो अब जैसे सर्किल के लिए बताया था कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनको मिलाने से जो आकृति बनती है, जो फिगर बनती है उसको सर्किल बोलते हैं। ऐसे ही कॉनिक्स में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए कॉमन डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा है, समझना इसको। इसमें कहा गया है एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट को नॉर्मली एच कॉमा के से लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। एच कॉमा के से लेते हैं, फिर जब लिखते हैं लोकस तो एच की जगह एक्स लगाते हैं, के की जगह वाई रखते हैं। ध्यान रखना एक्स कॉमा वाई इसलिए लिया है कि तुम्हें वर्किंग शो नहीं करनी है, अदरवाइज एच कॉमा के लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद आखिरी में लिखते हैं लिखते हैं लोकस, और लोकस के में एच की जगह एक्स लिखते हैं और के की जगह वाई लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा कायदा होता है। एक फिक्स लाइन होती है, नॉर्मली इस पॉइंट को एच बोला जाता है। तो एक अब डेफिनेशन में क्या लिखा है, वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से। तो वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट को नॉर्मली पी लिखते हैं। वेरिएबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस एसपी हो गई। एसपी कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन की, इसको नॉर्मली एम लिखा जाता है। वेरिएबल पॉइंट से
एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा होता है डिस्टेंस ऑफ द लाइन, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मतलब होता है लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर केवल डिस्टेंस लोग बोलोगे तो डिस्टेंस तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, लाइन ऐसे खींचोगे तो दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी, उधर खींचोगे दूसरी डिस्टेंस आएगी, उधर खींचोगे तो तीसरी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस आती चली जाएंगी। तो जब भी डिस्टेंस बोली जाती है तो मान के चलना कि बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर ही होता है। तो एसपी अपॉन पीएम देखा ना, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और वेरिएबल वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो एसपी डिस्टेंस हो गई फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट, पीएम जो हो गई वो डिस्टेंस हो गई वेरिएबल पॉइंट से फिक्स लाइन की। एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, जो रेशियो होता है उसको के लिखते हैं, यहाँ पे ई लिखा जाता है, मतलब हम के लिख के भी कर सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सिंबल लेके चलना है, इसको ई लिखा जाता है। अगर ई की वैल्यू वन होती है तो पैराबोला आता है, ई की वैल्यू लेस देन वन होती है तो एलिप्स आता है, और ई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, ग्रेटर देन वन होती है तो हाइपरबोला आता है। अगर e की वैल्यू 1 के बराबर पैराबोला, e की वैल्यू लेस देन 1 है तो एलिप्स, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। ये एक चीज भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एनडीए में खासतौर से पूछा जाता है, क्योंकि एनडीए में क्या होता है वो केस 1 केस 2 केस 3 करके बना देते हैं। तो अब जैसे लिख दिया इक्वल टू 1 पैराबोला, इक्वल टू e लेस देन 1 एलिप्स, e ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। अब बोला 1 एंड 2 आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। अगर ई की वैल्यू जीरो होती है तो सर्किल होता है, अगर ई इज इक्वल जीरो होता है तो सर्किल आता है। ध्यान से नोट करना, याद रखना इन सब चीजों को, क्योंकि ये बहुत आसान चीजें होती हैं, बहुत ट्रिवियल चीजें हैं, और ट्रिवियल होने की वजह से तुम लोग इग्नोर करते हो चीजों। तो यहाँ पर स्पेशली इन सब चीज़ों को मेंशन इसलिए करते हैं कि ट्रिवियल चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कठिन चीज़ों तो याद रखते हैं, ट्रिवियल चीज़ें भूल जाते हैं वहाँ पर। अब जैसे वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है लेकिन लिखे दे रहे हैं, एक ही लाइन लिखनी है खाली, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम हो गया, अब पीएम की डिस्टेंस क्या होगी, पीएम की डिस्टेंस हाँ इस सब पढ़ा चुके हैं इतनी बार, इतने क्वेश्चन में यूज किया है, फार्मूला लिखवाया था, कहा था पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अपॉन अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये कितनी कॉमन चीज है, कितनी बार तो बताइए कहीं तक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एक बार फिर से रिपीट किए देना, ये x कॉमा वाई लिया, इसको h कॉमा k लेना था, यहाँ पे h लिखते यहाँ पे k लिखते, यहाँ पे ah प्लस bk प्लस c आता अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बाद लिखते लोकस और लोकस में h की जगह x और k की जगह y लगा देते। तो इसलिए यहाँ पर इस डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको वर्किंग शो नहीं करनी है, और अगर एग्जामिनेशन में जहाँ को वर्किंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कर दो गलत नहीं माना जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि h कॉमा k की जगह x y x कॉमा y लेके चल रहे हैं। तुम्हारी जो बहुत सारी किट बुक्स हैं कहते जो इलेवन में चलती हैं उन्होंने एक्स कॉमा वाई से किया, एच कॉमा के किया ही नहीं। तो इसलिए अगर तुम सब्जेक्टिव पेपर में भी, वैसे सब्जेक्टिव है नहीं, अगर सब्जेक्टिव में भी कर दोगे तो गलत नहीं माना। ये हमारे पास इक्वेशन होगा, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर ऑप्शन मिले उसे मिला देना। ये यहाँ पर हम इसलिए स्क्वायर करके नहीं करते कि बहुत बड़ा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में क्या होता है छोटा सा आता है क्वेश्चन, जैसे 2.3 पॉइंट दे दिया, लाइन को x इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो वहां पर एग्जामिनेशन का छोटा क्वेश्चन देते हैं, इतना बड़ा नहीं देते कि तुमको अब इसमें इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लाएंगे, फिर वाई स्क्वायर वाले एक साथ लाएंगे, फिर एक्स वाई वाले, फिर एक्स फिर वाई फिर कॉन्स्टेंट, तो इसमें तो समय ही बहुत लग जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए ऐसे,
यानी बोल रहे नहीं आए, लेकिन बहुत आसान दिया जाता है। जैसे पॉइंट को 2.0 ही दे दिया मान लो, लाइन को दे दिया वाई इज इक्वल टू 3, तो सब सिंपल हो गया। स्क्वायर करना भी आसान हो गया, डिस्टेंस भी निकालना भी आसान हो गया, तो सिंपल दिए जाते हैं। नोट हो गया ना ये पूरा, ये नोट कर लेना, इसकी बहुत नीट पड़ेगी नहीं, बहुत आसानी से हो जाती चीज। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c रिप्रेजेंट द कोनिक इफ abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab पैराबोला h स्क्वायर लेस देन ab पर एलिप्स h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हाइपरबोला a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0 सर्कल। इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट में चाहो तो डिटरमिनेंट में लिख सकते हो। अगर ये इक्वेशन जो है कॉनिक्स को तभी रिप्रेजेंट करेगी जब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इज इक्वल टू 0 तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इज इक्वल टू 0 पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। कुछ कॉमन डेफिनेशन नोट करो इसके बाद। पहला फोकस, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फोकस द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जो भी इक्वेशन बनाई थी और जो फिगर बनाया था उसमें फिक्स पॉइंट एस लिखा था उसको फोकस बोलते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फोकस को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव।
फोकस को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लेना, ध्रुव बोलते हैं इसको। इसके इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियता, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियता। अभी जो फिक्स जो लाइन बनाई थी ना उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ECEN स्पेलिंग लिख दी है। द कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, द कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को हिंदी बोलते हैं उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। एक्सेस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। ये पर्टिकुलर कर्व में बताएंगे, ठीक है ना। ये तीन चीजें बतानी थी उसमें जो कॉमन हो गया था, फोकस, इसेंट्रिसिटी और रेशियो, उसके इसेंट्रिसिटी। अब बाकी ये पर्टिकुलर कर्व जो आएंगे उनमें बताएंगे। ये ध्यान रखना है कि एक्सिस जो होता है, एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस जो है वो फोकस से पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। पैराबोला में अलग होगा, एलिप्स में अलग होगा, हाइपरबोला में अलग होगा, डेफिनेशन सेम रहे। इसके बाद वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of the conics, the point of intersection of the conics and the axis, point of intersection of the conics and axis is called vertex, is called vertex। vertex का मतलब था शीर्ष, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। सेंटर, द पॉइंट सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड इज कॉल्ड सेंटर, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र और कॉर्ड का मतलब जीवा। इसके बाद लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस
इज कॉल्ड लैटर सेक्टम। एक एग्जांपल लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हूज फोकस इज whose focus is -1, 1 and directrix is focus is -1, 1 and directrix is 4x plus 3y -24 is equal to 0, full stop। next line में दूसरा मतलब इसी का आगे question है, also find axis comma vertex and length of lateral septum, also find axis vertex and length of lateral septum, complete। फोर एक्स प्लस थ्री वाई -24। ध्यान दो, अब इसमें कहा पहले पैराबोला की क्वेश्चन निकालो, यहां पैराबोला नहीं भी दिया होता तो अंतर नहीं पड़ता, कहा था कोनिक्स की क्वेश्चन निकालो, क्योंकि अभी हमने पैराबोला पढ़ाया ही नहीं है, तो कोनिक्स बता रहे हैं। पैराबोला इसलिए लिख दिया गया कि पैराबोला की क्वेश्चन बनेगी, इसलिए पैराबोला लिख दिया है। पैराबोला अगर ना भी लिखे तो हम इसमें पैराबोला का यूज इतना करना पड़ेगा, ई की वैल्यू 1 लगानी पड़ेगी। अगर पैराबोला नहीं दिया होगा तो ई की वैल्यू 1 नहीं लगाएंगे, फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब इसेंट्रिसिटी इसकी 1 है, ई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई की वैल्यू पैराबोला क्या होती है 1। तो यहां से क्या हो गया, एस पी इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू क्या होगी, एस पी की वैल्यू अंडर रूट में एस से दूरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। पीएम की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 4x हो गई। दोनों साइड में स्क्वायर करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, 25 को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। अब इधर से 25x स्क्वायर आएगा, 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इधर 25y स्क्वायर आएगा, इधर से 9 का y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इधर से 50x आएगा, 50x 2x आएगा, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 50x, और इधर 192x, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 242। इसके बाद इधर आएगा माइनस का 50y और इधर है 144y माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब इधर कांस्टेंट कितने आएंगे, प्लस 1 प्लस 1 2, 50 कांस्टेंट आएंगे
और इधर है 576, 576 में से 50 माइनस करोगे बाकी तुम लोग सॉल्व जैसे कर लेना, हाउस स्क्वायर अपना आप खो लेना, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, इसके बाद एक साइड में ले आना। ये किया ऐसे ही आता है क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर तुम वैसे पूरा ओपन करके करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ से आसानी से हो जाता है। और करने का तरीका यही होता है कि एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ले लें, वाई स्क्वायर वाले एक साथ ले लें, एक्स वाले वाई वाले और एक्स वाई वाले, और बाकी तुम्हें जो आसान लगे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेना, 25 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उधर ले जाना, जो तुमको आसान लगे उससे कर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, इसका यही पैराबोला की क्वेश्चन है। अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इजिकल जीरो से कंपेयर करोगे, एच और ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी आ जाएगा। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई की वैल्यू 1 लगा के ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। हाँ एक रह गया 24xy, इधर 24xy है माइनस का 24xy, ये 24xy छूट गया माइनस का 24xy। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें कुछ था नहीं, ये केवल इसलिए करवा दिया था कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मल, बाकी इसकी कोई नीड नहीं थी क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट में इस पार्ट का कोई यूज नहीं, ठीक ना। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो नॉर्मली सेकंड पार्ट आता है, ये भी पॉसिबिलिटी आने की, अगर ये आ जाए तो कर लेना इसको भी। अब सेकंड पार्ट क्या गया, पहला क्वेश्चन बोला गया है सेकंड पार्ट में, आल्सो फाइंड एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस निकालना है, एक्सिस क्या होता है डेफिनेशन पढ़ो। परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स, अब इसमें एक्सिस की डेफिनेशन बोली गई है कि वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स होता है और फोकस से पास होता है। हाँ जीरो को हमें थोड़ी ना, जब वो तो नॉर्मल पैराबोला में होता है, यहां थोड़ी ना, यहां तो जनरल पैराबोला है। एक्सिस की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन इसी लिखवाई थी कॉमन, एक्सिस क्या होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन पढ़ो नहीं पढ़ोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा कहीं का। परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताई थी, एक्स का कोफिशियंट वाई का कोफिशियंट एक्स में आता सेम साइन के साथ, एक्स का कोफिशियंट वाई में जाता अपोजिट साइन के साथ इज इक्वल टू लैम्डा। ये किससे पास हो रही है, फोकस से। एक्सिस की इक्वेशन फिर बोल रहे हैं, एक्सिस की इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास करा दो। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अभी ध्यान रखो ना, पैराबोला पढ़ाया है ना एलिस पढ़ाया ना हाइपरबोला, अभी कॉमन से निकालेंगे बाद में। पैराबोला से सिंपल होता है, ये कॉमा जीरो फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस ये होती है, सब आसान चीजें कहते हैं। लेकिन अभी एग्जामिनेशन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ही ना आता, थोड़ा सा टिपिकल आता है। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। इसके बाद क्या है इसमें, वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में पैराबोला हम बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ी सी चीज बतानी है इसमें कहीं। इसके बाद इसमें तीन चार लाइन एक जगह छोड़ देना दो पॉइंट्स के लिए, अभी करवाना है वो भी पैराबोला पढ़ा रहा है उसके बाद करना इसको, दो तीन लाइन तीन चार लाइनें छोड़ देना उसके लिए। नोट हो गया, ये एक्सिस नोट कर लिया ना।
अब पैराबोला, अब पर्टिकुलर कर्व में आ रहे हैं, ये कॉमन था, पर्टिकुलर कर्व पैराबोला। हाँ बताओ, वर्टेक्स 0.1 इधर लिखा हुआ है, 0.1 ये लिखा हुआ है, x इक्वल 0.5 वर्टेक्स सी कर लेना पहले, इसे लिखा 0.0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिगर को सही बनाना, जो फिगर में पॉइंट लिखे उनको सही लिखना, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होते हैं, सब स्टैंडर्ड पॉइंट लिखे हुए हैं।
जल्दी लिखो। टू पैराबोला आर इक्वल इफ देयर लेटर सेक्टर आर इक्वल। दो पैराबोला का इक्वल बोला जाता है अगर उनके लेटर सेक्टम आपस में इक्वल होते। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए एस डिस्टेंस कितनी है, ए एस डिस्टेंस कितनी है, फिगर जो बना हुआ है ए एस की डिस्टेंस कितनी है, एस पॉइंट क्या लिखा था अभी, ए कॉमा जीरो लिखा था, तो ए एस की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, और जेड ए की डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ए ही रहेगी ना, कोऑर्डिनेट माइनस ए है, जब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस ए हो जाता है, ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं प्लस ए होता है, डिस्टेंस तो ए ही है ना, तो ए एस की डिस्टेंस ए है, जेड ए की डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। अब तुम लोग एग्जामिनेशन में करना क्या होता है, तुमको यही चीज सब समझ नहीं है, ए ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, वर्टेक्स जो होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मध्य बिंदु होता है, जो वर्टेक्स होता है वो जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स का पाद होता है जो, और फोकस ध्रुव उसका मध्य बिंदु होता है। ये सब चीजें तुमको याद रखनी है, ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बेस होते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन छुड़वाया ना, दो पॉइंट छुड़वाए हैं, वो इसीलिए छुड़वाए हैं कि ये चीज बतानी थी गई थी यहाँ पर आके, समझा वहां भी सकते थे, वहां दिक्कत होती है समझाने में। तो जो फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स का फुट होता है वर्टेक्स, उसका मिड पॉइंट होता है। फोकल डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स, एसपी का मतलब ये, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस। पी पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट होगा, अगर पी पॉइंट मान लो 2.3 दिया है तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए प्लस 2, अगर पी पॉइंट मान लो 2.4 दिया है तो फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बहुत मेथड से निकाले गए या बहुत कठिन है, सिंपल कर सकते हो, ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट मान लो, इसकी दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकाल देना, ए कॉमा जीरो है, दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लगा दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं लेकिन याद रखो आसान एग्जामिनेशन में समय कहाँ होता है इतना करने का, तो फोकल डिस्टेंस ए प्लस एक्स होती है। अब एक एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और लिखवा रहे हैं इसके बाद, नोट हो गया ना सफाई, अगर पैराबोला ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाए तो पैराबोला कैसे बनेगा, पैराबोला की शेप ये हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब जितने भी पॉइंट लिखाए हैं उसमें सबकी जगह x की जगह y कर देना, y की जगह x कर देना, x की जगह y और y की जगह x, ये पैराबोला की क्वेश्चन क्या थी, वाई स्क्वायर 4ax था, इसमें x की जगह y किया, y की जगह x किया, तो ये आ गया। ऐसे जितने पॉइंट हैं इसका फोकस क्या होगा बताओ, फोकस क्या आएगा, x की जगह y की जगह x, फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस देखिए सामने
फोकल डिस्टेंस ए प्लस वाई, सब जगह एक्स की जगह वाई कर देना, वाई की जगह एक्स कर देना, पूरा पैराबोला कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी पॉइंट लिखवाया, लैटर सेक्टम लिखवाया, फोर ए रहेगा। अब फुट ऑफ लैटर सेक्टम क्या हो जाएंगे उसके, एंड ऑफ द लैटर सेक्टम, टू ए कॉमा ए और टू ए कॉमा माइनस ए। तो मतलब एक्स की जगह वाई कर देना, वाई की जगह एक्स कर देना, पूरा सेम रिपीट कर देना। फोकल डिस्टेंस ए प्लस वाई, एक्स की जगह वाई। तो ये बता ही देना, ये एक्स कॉमा वाई है, एस पी निकालोगे क्या आएगा, ये डिस्टेंस होगा। इसको कैसे लिखोगे, याद है वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर ऑफ फोर एक्स है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा। ये क्या हुआ, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्रूफ इसलिए नहीं करते, नीड नहीं है, समझ आता है इसमें प्रूफ के लिए। अब तुमने पूछा तो इसलिए समझा दिया क्या है, अगर अदरवाइज प्रूफ की नीड नहीं है इसलिए प्रूफ नहीं करते हैं, बाकी प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक, ये समझ में आ गया पूरा। अब एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं, एग्जाम्पल हम डिफिकल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ईजी से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स सब लोग कर चुके हो गए थे, नहीं भी किया हो दोबारा समझा देंगे। अभी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चलते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट से कई चीजें समझाना बहुत आसान होता है, इजी से समझाना मुश्किल होता है। वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स लैटर सेक्टम एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ऑफ द पैराबोला टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव। फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव। एक चीज और करो, एक चीज लिखवाना भूल गए थे, यहां पे पैराबोला का पॉइंट लिखे, नाइन्थ पॉइंट और लिख लो, एक जगह थोड़ी सी एक लाइन की केवल है जगह हो तो लिख दो वहां पर, नाइन्थ पॉइंट टेंजेंट एट द वर्टेक्स, नाइन्थ पॉइंट टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वो लिखवाना रह गया। ये होती टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये वाली टेंजेंट एट द वर्टेक्स होती है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स इसको बोलते हैं, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जो बताने यार, ध्यान समझना, पैराबोला ये क्वेश्चन पैराबोला करने आ रहा है, सेम क्वेश्चन एलिप्स में आएगा, सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में आएगा, और तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को डेफिनेट आना ही आना है इसका। ये भी बताते हैं पैराबोला का नहीं आता है, आएगा एलिप्स या हाइपरबोला, लेकिन पैराबोला से स्टार्ट कर रहे हैं, यही सेम चीज एलिप्स में रिपीट करेंगे, सेम चीज हाइपरबोला में रिपीट करेंगे। पैराबोला में इसलिए बता रहे हैं कि पैराबोला बेसिक होता है, वहां से स्टार्ट किया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन एलिप्स का आएगा या हाइपरबोला का आएगा, पैराबोला का नहीं आता फिर बोले देना, आने को पैराबोला का भी आ सकता, मना नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड है वो एलिप्स और हाइपरबोला का, लेकिन पैराबोला स्टार्ट करा वही सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी चलेगा। फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इजिकल टू इजिकल टू फाइव। बहुत ध्यान देना, कहीं तक नहीं समझ में आया दोबारा पूछो ना, क्योंकि सेम लिस्ट में पूरा बताएंगे दोबारा से, ऐसा नहीं लिस्ट में ही बताएंगे, लेकिन यहां समझ लो अपने आप कर लोगे। वाई वाले सब एक साथ आते हैं, एक्स वाले सब एक साथ आते हैं, कांस्टेंट को किसी के साथ भी ले जा सकते हैं, वाई वाले टर्म सब एक साथ लाएंगे,
एक्स वाले टर्म सब एक साथ लाएंगे, कांस्टेंट को किसी के साथ भेजो। वाई वाले सब एक साथ ले लिए, एक्स वाले सब एक साथ ले लिए, तो कांस्टेंट को किसी के साथ भेज दो। वाई के साथ लाना था वाई के साथ ले आते, एक्स के साथ लाना था एक्स के साथ ले आते, उसका अंतर को नहीं पड़ता। अब जो हाईएस्ट कोफिशियंट ऑफ वाई होता है उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए। हाईएस्ट जो पावर वाई की होती है उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए। हाईएस्ट पावर जो एक्स की है उसका कोफिशियंट भी वन होना चाहिए। हाईएस्ट कोफिशियंट जो वाई का है, हाईएस्ट की बात है केवल बाकी से मतलब नहीं है, हाईएस्ट कोफिशियंट जो वाई का है उसका हाईएस्ट टर्म जो वाई का है उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए, या वाई स्क्वायर इसका वन होना चाहिए। एक्स का भी वन करना है, एक्स का भी यानी 6 कॉमन लेना है, बाद में कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। मतलब करना हमको वन ही है लेकिन अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, 6 कॉमन लोगे तो 5/6 आ जाएगा, बाद में सेट करना पड़ेगा, बाद में कर लेंगे इसको। एलिप्स और हाइपरबोला में साथ में करना पड़ता है, पैराबोला में बाद में कर सकते हैं इसको। अब जो हमारे पास वाई स्क्वायर वाला टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो वाई स्क्वायर में बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, ये तुम लोग हमने क्वाड्रेटिक के पढ़ाया तो बताया था, बीच में एक जगह और बताया था, सेकंड वाले के आधे का होता है, सेकंड वाला, हाँ भाई सेकंड वाला जो टर्म होता है उसके आधे का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्वाड्रेटिक बताया था, रिपीट किए दे रहे हैं फिर समझ लेना। अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है वाई स्क्वायर का कोफिशियंट मतलब हायर डिग्री कोफिशियंट का वन हो गया है तो जो सेकंड टर्म होता है उसके आधे का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया, ये माइनस वन था तो माइनस वन का आधा माइनस वन बाई टू, और जो यहां पे लिखोगे उसका स्क्वायर माइनस किया जाएगा, जो यहां पे लिखोगे उसका स्क्वायर माइनस करना है। अगर यहां पे वाई स्क्वायर प्लस वाई होता तो y प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बनता, लेकिन स्क्वायर को माइनस ही करना था, मतलब ये नहीं कि यहां प्लस हो गया तो यहां भी प्लस करना है, स्क्वायर हमेशा माइनस होता है। ये कितना हुआ, चार से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, आ गया। हमने कहा था इसलिए कहा था करने में आसान हो जाएगा, कोफिशियंट x का भी वन करना था और y का भी वाई स्क्वायर का भी वन करना था, अब आखिरी में करने में फायदा रहा, बाद में 1/6 जोड़ना पड़ता फिर उसे करना पड़ता है। एक स्टेप छोड़ दिया, समझ में आ गया, 6/4 आएगा, उसको 3/2 लिख दिया। अब इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर इससे कंपेयर कर देंगे तो यहां से 4a कितना आ गया, तो a इज इक्वल टू इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं चीजें। हाँ ये वाला जो यहां लिखा होता है उसके आधे का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यहां माइनस वन लिखा था माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, जो यहां लिखोगे उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, 1/2 लिखा था 1/2 का स्क्वायर 1/4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये माइनस ही लगेगा, यहां पे अगर वाई प्लस है तो यहां प्लस रहेगा लेकिन यहां माइनस ही रहेगा। समझ क्यों नोट को, कोई स्टेप समझाना पूछना, क्योंकि हमने बताया कि क्वेश्चन आना ही है इसका निश्चित। और हर बार बताए जाते हैं क्वेश्चन आएगा इलिप्स हाइपरबोला में, गलत करके आते हो तुम लोग बार बार, खूब बताने के बाद तीनों में रिपीट करेंगे, पैराबोला में एक क्वेश्चन पैराबोला में और करेंगे इसी का, दो क्वेश्चन इलिप्स में करेंगे, दो हाइपरबोला में करेंगे, और इसके बाद भी गलत करके आओ,
छह क्वेश्चन करेंगे टोटल मिलाकर। और होता है क्या, जो तुम गलत करोगे वो ऑप्शन होता नीचे, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, तुमने जहां गलती की वो ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। कुछ जगह तो होता है जैसे गलती करेंगे ऑप्शन ही नहीं मिलता, यहां ऑप्शन मिल जाता है। अभी बताएं कैसे ऑप्शन मिलता है। पहला पॉइंट था वर्टेक्स, वर्टेक्स पूछा गया था, वर्टेक्स की वैल्यू क्या लिखवाई थी क्वेश्चन में, जो अभी थ्योरी लिखवाई थी वर्टेक्स क्या लिखवाया था, ए कॉमा जीरो, तो वर्टेक्स क्या होगा, 3/8, 0, ये ऑप्शन मिल जाएगा, गलत है। बताना गलती कहाँ पे होती है, गलती इससे होती है तुमने ए कॉमा जीरो लिखवाया था, 3/8, 0 की आंसर आ जाए, आंसर नीचे ऑप्शन लिखा होगा नीचे। अभी हमने बगल में लिखवाया और भी लिखवाया था, y² = 4ax का 1, 0 होता है, बगल में हमने x = a y = 0 लिखवाया, वो क्यों लिखवाया था, यहां पे क्या हो गया वर्टेक्स x = 0, x = 0 y = 0, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, तो -1, 1/2, वो सारे वर्टेक्स की फोकस बता कर, वर्टेक्स 0, 0 होता है, अगर तुमने 0, 0 लिख दिया तो ऑप्शन मैच हो जाता है, तो वहां 0, 0 नहीं है, वर्टेक्स जो होता है 0, 0 होता है y² = 4ax के लिए, इसके लिए नहीं होता है, y² = 4ax के लिए x = 0, y = 0, लेकिन इसका x क्या, कैपिटल x है, और y क्या, कैपिटल y है, तो कैपिटल x = 0, कैपिटल y = 0 है, तो x = -1 और y = 1/2। फोकस निकालो, सब सब आ जाए समझ में, फोकस अगर सही निकाल लिया तो फिर कोई स्टेप गलत होता ही नहीं, फोकस निकालो क्या होगा, फोकस क्या होता है, 1, 0, और तुमने 3/8, 0 लिखा, आंसर गलत हुआ, ये मिलता है वर्टेक्स, वर्टेक्स गलती नहीं होती, फोकस गलती होती, वो पहले एक्सप्लेन करते हो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फोकस होता है 1, 0, तुमने लिखा 3/8, 0 गलत, हमें ना आंसर मैच हो जाता नीचे, फोकस क्या लिखवाया था उसमें देखो क्या लिखा था पीछे, हाँ -5/8, x = a और y = 4, सही निकालो बाकी सब सही आ जाता है, और नॉर्मली फोकस ही पूछा जाता है, वो एलिस में ही पूछा जाएगा, पहले हाइपरबोला में फोकस ही पूछते हैं वहां पे, इसलिए आंसर में अंतर इसलिए हो जाता है, वो एलिस और हाइपरबोला इसलिए पूछते हैं, वहां इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ती है, b² = a² - c² करके, इसलिए वहां पे एलिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां दो चीजें आ जाती है, यहां फोकस आसान होता है, वहां पे ई निकालना पड़ता है, x = a ही होता है, इसलिए वहां पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ आ गया ना, बाकी समय हो गया, आंसर लिख लो कहते हैं, अपने आप कर लेना, फोकस से बता दिया, 2-3 पॉइंट और बाकी है उसके आंसर लिखवाई देना। डायरेक्ट्रिक्स है 8x + 11 = 0, 8x + 11 = 0, लैटरल सेक्टर 3/2 और टेंजेंट एट द वर्टेक्स x + 1 = 0, टेंजेंट एट द वर्टेक्स x + 1 = 0। एक दूसरा क्वेश्चन बताए दे रहे हैं, इसको बिल्कुल सेम करना, सेम चीज निकालनी, नोट कर लो, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आ तो यहां बताएंगे, 5x² + 30x
प्लस टू वाई प्लस 59 इज इक्वल टू जीरो, 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 2y प्लस 59 इज इक्वल टू जीरो। यही सेम चीज निकालनी है, वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स लैटरल रेक्टम टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्लास को।